इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रीट लेवल टू के फोर्थ शिफ्ट यानी 24 तारीख को इवनिंग में हुए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर की साइकोलॉजी के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की स्पेस का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के साथ स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीवित की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजी द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसात्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के तीन प्रमुख आधार कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है, उसे एक कहानी बनाए करने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है।